नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ आई चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मंगलपुर में हुआ हत्या का खुलासा, 10,000 इनामिया हुआ गिरफ्तार, मोटरसाइकिल चोर को किया गया गिरफ्तार। थाना बागवाला में अपने ही अपहरण की रची झूठी साजिश, सपाइयों का अपशब्दों भरा गालियों का वीडियो हो रहा वायरल। ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक कानपुर के निर्देशन में थाना मंगलपुर पुलिस व स्पॉट टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण कर एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। घटना का सफल अनावरण किया गया है और इस घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त जो गाँव का ही है, जो मृतका का पड़ोसी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। विवेचना में यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो अभियुक्त है वह मृतका की माता के प्रति गलत भावना रखता था, उस पर बुरी नज़र रखता था और कई बार उसके घर आया जाया करता था। जब मृतका के पिता बाहर रहते थे उस समय ये आता जाता रहता था। इस बात को लेके जो मृतका है, जो बच्ची है, उसने अपने पिता को कई बार इसकी शिकायत की थी और उसकी शिकायत पर उसके पिता द्वारा कई बार जो अभियुक्त है उससे कहा सुनी और लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। और अभियुक्त के द्वारा जब यह पता किया गया कि उसको कैसे पता चलता है, तो यह उसको मालूम हुआ कि जो बच्ची है वह अपने पिता को बता दिया करती है। इसी रंजिश में और इसी बच्ची के प्रति उसके क्रोध में उस दिन जब वह शराब के नशे में था, उसे मौका मिला और सोती हुई बच्ची को उसने उठाया और उठा के बाग में ले गया, जहां गमछे से उसकी मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी गई। और लाश की पहचान छुपाने के लिए या और साक्ष छुपाने के लिए उसने बच्ची को जलाने का भी प्रयास किया, किंतु उसमें वह पूरी तरह सफल नहीं हुआ। तो उसने घटना को दूसरा मोड़ देने के लिए जो मृतका के पिता हैं उसके चाचा की खाट जो उस बगल में थी, उस खाट को जला करके उसको भी दूसरी जगह शिफ्ट किया, जिससे कि घटना का रुख जो है वह दूसरी तरफ प्रतीत हो और इसमें अन्य लोग फंसे। लेकिन हमारी टीम के द्वारा बड़ी बारीकी से विवेचना की गई और साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया और इस अभियुक्त को पकड़ा गया है। इसके लिए नहीं, किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, वैसे ही माचिस से, क्योंकि शराब के नशे में था उस समय, इसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था और उसने समान रूप से ही जलाने का प्रयास किया था। सर, दुष्कर्म के मामले की आशंका जताई गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है और जो अभियुक्त है उसके द्वारा भी इससे इनकार किया गया है। नहीं, किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया था, वैसे ही माचिस से, क्योंकि शराब के नशे में था उस समय, इसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था और उसने समान रूप से ही जलाने का प्रयास किया था। सर, दुष्कर्म के मामले की आशंका जताई गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है और जो अभियुक्त है उसके द्वारा भी इससे इनकार किया गया है, लेकिन फिर भी स्लाइड को प्रिजर्व किया गया है और उसके उसको FSL भेजा गया है। तो अभी रेप की पुष्टि नहीं है और जब स्लाइड का परीक्षण होकर आएगा उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, आरोपी के पहले भी यह नशे का आदि था और पूर्व में भी एक छेड़खानी के मामले में यह जेल गया हुआ था, इस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी। तो पूर्व से यह थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। घटना में इसकी मां या इसके साथ कोई और भी शामिल था, इस वीडियो की जांच होगी? अभी तक जो विवेचना हुई है उसमें इसके द्वारा ही घटना कारित की गई प्रतीत होती है। इसके अलावे भी हम हर बिंदुओं पर विवेचना कर रहे हैं, आगे जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम को क्या कुछ पुरस्कृत भी किया गया? हाँ, पुलिस टीम के इस बेहतरीन वर्कआउट के लिए उन्हें 15,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। थाना नराहट पुलिस द्वारा मुकदमा में वांछित एवं इनामिया 10,000 रुपए से अपराधी को गिरफ्तार करने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर ने दी जानकारी। जनपद में अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही थी, उसी के तहत आज हमारे नाराहाट इंस्पेक्टर के द्वारा
उनकी पूरी टीम द्वारा एक 10,000 का इनामिया भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि रामपाल सिंह नाम है और वह नाराहाट के मुकदमे वांछित भी चल रहा था। इससे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने में हमको सफलता मिली। एसपी ललितपुर के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जाखलान पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसकी नंबर प्लेट बदली हुई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही जारी। ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। एटा थाना बागवाल पुलिस द्वारा अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच अपनी ममेरी बहन के साथ विवाह करने की योजना बनाने की घटना का सफल अनावरण कर तथा कथित अपराध युवक की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक एटा ने दी जानकारी। ये विजय सिंह नाम का एक लड़का है जो नगमई थाना बागवाल रहने वाला है। 1 जुलाई की शाम को इसने अपने चाचा को फोन पर सूचना दी कि मुझे नगमई थाना मलावन के पप्पू अपहरण करके ले जा रहे हैं। इतना बताते ही उसने फोन से जॉब कर लिया और ये सूचना पुलिस को विजय सिंह के परिवार को दी गई, जिसमें अभी पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ क्रम में पचरा की जो पप्पू है वो इसके अपहरण के जो मामा की लड़की है उसका ससुर है और उसी पे इसने अपना आरोप लगाया है। जब काफी गहराई से छानबीन की गई, मामला निकल के आया कि ये जो कथित अपहरण है इसने अपनी एक रिश्ते की ममेरी बहन से शादी करने के उद्देश्य से उसकी ममेरी बहन के बड़ी लड़की की ससुर और उसके देवर जिसकी शादी की बात चल रही थी उनको जेल भिजवाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा, जिससे कि उसका जो होने वाला पति है वो जेल चला जाए, उसकी बड़ी बहन ससुर जेल चला जो शादी करवा रहा है। इसी क्रम में इसने स्वयं अपहरण का नाटक करके 3 दिन तक गायब रहा और कल 3 जुलाई को थाना बावल को इसको बरामद किया गया। इससे पूरे घटना का परिच्छेद हुआ। इसने अपने शादी कराने के लिए जो उसके रिश्ते की मामले लड़की से शादी करने के उद्देश्य से इस सारा जो है नाटक रचा था, इसका उसने भंडाफोड़ किया है और आज उसे दूसरों को जो है फंसाने के जुर्म में और एक साक्ष चूटा साक्ष करने के जुर्म में पुलिस द्वारा कथित अपहरण विजय को जेल भेजा गया। बलिया जहां राजनीति में मंत्री उपेंद्र तिवारी को सपा कार्यकर्ताओं ने गालियां दी, वहीं नारों के बजाय मिली उन्हें गालियां। सपाइयों ने गालियों का बनाया नारा। मंत्री उपेंद्र तिवारी को दी भत्ती भत्ती, जिसमें बाद में मचा हड़कंप। सपाइयों का अपशब्दों भरा गालियों का वीडियो हो रहा वायरल। जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीत के चुनाव का बताया जा रहा वीडियो वायरल, जिस पर भाजपाइयों ने जताई नाराजगी और जुलूस निकालकर जिलाध्यक्ष भाजपा जयप्रकाश साहू के नेतृत्व में पुलिस लाइन में बलिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा को पत्रक दिया और नाराजगी जताई। वहीं सपा के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि यह काम अराजक तत्व का षड्यंत्र बताया, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। Yeah.
कल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। मतगणना होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा COVID-19 का भी उल्लंघन करते हुए भीड़ इकट्ठा कर जो लगता था कि पहले से प्लानिंग थी, और इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, हमारे पार्टी के नेताओं के माँ बहनों के खिलाफ जिस तरह से भद्दी गालियाँ दी गई, उससे पूरी जनपद में नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि और भी दलों के भी कार्यकर्ता, चाहे सामाजिक लोग, जो पूरी इस घटना से, इस गाली शब्द से दुखी हैं, और उनकी भावनाओं से मैंने कप्तान होदे को अवगत कराया, और जिन लोगों ने गाली दिया उसका वीडियो फुटेज मैं उनको दिखाया, उन लोगों पर तुरंत मुकदमा कर कार्रवाई किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए, ताकि बलिया जिला में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा जो हमारे पहले से चली आ रही है, हम लोग सभी दलों के नेताओं के प्रति सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी दल का हो, विरोधी दल का हो, उनकी भी माँ बहनों के प्रति हम कोई अपशब्द शब्द का प्रयोग नहीं करते, न पार्टी में किसी को करने का अनुमति देते हैं। तो बलिया में एक स्वस्थ परंपरा पहले से भी रही है, लेकिन कल जिस तरह से चुनाव जीतने के जोश में होश खो देना और इस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया है, इसी के तहत हमने मानी पुलिस कप्तान महोदय को इसे अवगत कराया और मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग किया। लिखित तो मैं दिया हूँ, जो भी बात मैं जब जब कोई अधिकारी से बात किया जाता है तो लिखित किया जाता है। क्या नामजद कुछ लोग? बिल्कुल नाम उसमें है, वीडियो फुटेज में उनके नाम दिख रहे हैं, आप लोग चेहरा देख रहे हैं, उन लोगों का नाम दिया था। तो क्या आश्वासन मिला है आपको? बिल्कुल दर्ज होगा, बिल्कुल दर्ज होगा, उन्होंने बताया कि बिल्कुल दर्ज होगा, जिसने इस तरह की शब्द का प्रयोग किया, गाली दिया, जिसने इस तरह की कार्रवाई किया, उस पर खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ कराई होगी। धन्यवाद। इस जीत से मुझे भरोसा और विश्वास है कि आने वाले समय में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे, यह मुझे भरोसा और विश्वास है। जिस कल चुनाव था, चुनाव में जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर बीजेपी के लोगों ने अभी तहरीर दिया है इस मामले को लेकर, क्या कहेंगे सपा के लोग, गाली गलौज जो कर रहे थे, क्या मामला है? ये जो वीडियो जो सामने आई है, वीडियो, इस वीडियो का मैं निंदा करता हूँ। ये सही बात है कि कुछ अराजक तत्व हैं, कोई भी अराजक तत्व हो इस तरह से काम कर रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और कोई भी माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी जी भी जो जिस तरह से अपनी बातें बोल रहे थे, उसकी भी मैं निंदा कर रहा हूं। आदमी किसी जिम्मेदार पद पर रह करके भी अपनी सारी बातें मर्यादा में रखनी चाहिए। तो जो कल जो वायरल हो रहा है जो वीडियो, उस पर बीजेपी के लोग तहरीर दिए हैं कि जो इस तरह के जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया माननीय मंत्री को, तो सपा किस नज़र से इस चीज़ को देख रही है? ये समाजवादी पार्टी की जो कल जीत हुई है, जो कोई भी अराजक तत्व उसमें घुस करके इस तरह से माँ बहन की गाली दे रहा हो, तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। समाजवादी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ रही है। हम मर्यादा और सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं, किसी का अपमान करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं, देखते रहिए बीपीएन न्यूज़।